नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष बसोड़ा पर्व की शीतला माता की कथा लेकर आई हूँ। आइए शुरू करते हैं। बसोड़ा का त्योहार होली के बाद आने वाले सोमवार या मंगलवार या वीरवार के दिन मनाया जाता है। बसोड़ा का अर्थ है बासी रसोड़ा, अर्थात बसोड़ा के त्योहार में पहले दिन रात को भोजन बनाकर रख लिया जाता है और अगले दिन शीतला माता की पूजा करने के बाद वह भोजन खाया जाता है। कुछ स्थानों पर बसोड़ा के पर्व को बसोरिया या बासड़े के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। आइए शुरू करते हैं बसोड़ा पर्व की शीतला माता की कथा। बोलो जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। जय शीतला माता। एक बार शीतला माता ने सोचा कि देखूं तो सही, धरती पर उनकी पूजा कौन करता है, कौन उन्हें मानता है। यह सब सोचकर शीतला माता एक बुढ़िया का रूप धारण करके राजस्थान के डुंगरी गांव में पहुंच गई और वहां जाकर उन्होंने देखा कि इस गांव में उनका कोई मंदिर नहीं है और ना ही कोई उनकी पूजा करता है। बुढ़िया बनी शीतला माता उस गांव की गलियों में घूम ही रही थी कि तभी एक औरत ने उबलते हुए चावलों की मांड को उतारकर नीचे फेंका और वह उबला हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिसके कारण माता के शरीर में छाले पड़ गए। तब शीतला माता के पूरे बदन में जलन होने लगी और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की, बल्कि लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। ऐसे ही चीखते चिल्लाते हुए शीतला माता एक कुम्हारन के घर पहुंची। वह कुम्हारन अपने घर के बाहर बैठी थी। जब उसकी नजर शीतला माता पर पड़ी तो उसने सोचा, यह बुढ़िया तो काफी जल गई है। फिर उसने बुढ़िया माई के ऊपर ठंडा पानी डाला और बोली, हे माई, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, तुम दही और राबड़ी खा लो, जिससे तुम्हारे शरीर को ठंडक मिलेगी। तब उस कुम्हारिन के कहे अनुसार उस बुढ़िया बनी हुई शीतला माता ने ठंडी राबड़ी और दही खाया और उनके शरीर को ठंडक मिल गई। फिर बुढ़िया माँ ने कुम्हारिन से कहा, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, तुम मेरी जुएं निकाल दो। कुम्हारिन ने उनकी जुएं निकालनी शुरू कर दी। तभी उसकी नजर बालों के अंदर छिपी हुई एक आंख पर पड़ी। बुढ़िया माँ के बालों में छिपी हुई आंख को देखकर कुम्हारिन डर के मारे भागने लगी। तब शीतला माता ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो धरती पर यह देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर शीतला माता अपने असली रूप में प्रकट हो गई। शीतला माता के दर्शन करने के बाद कुम्हारिन सोचने लगी, मैं गरीब माता को कहाँ पर बिठाऊं? उसने शीतला माता से कहा, मेरे घर में आपको बैठाने के लिए जगह नहीं है, मैं आपकी सेवा कैसे करूं? शीतला माता कुम्हारिन की सादगी पर बहुत प्रसन्न हुई और उसके घर में खड़े हुए गधे पर बैठ गई। तब शीतला माता ने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़ दिया और उसे कहा, बेटी मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी यही इच्छा है कि आप हमारे गांव में स्थापित होकर रहें और जो भी होली के बाद आने वाले मंगलवार, वीरवार या सप्तमी के दिन भक्ति भावना से आपकी पूजा करके बासी भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को आप दूर कर दें। तब शीतला माता ने कुम्हारिन को वह सभी वरदान दिए और एक करवे में पानी देकर कहा कि इस पानी को अपने घर पर छिड़क दो, कल इस पूरे गांव में आग लग जाएगी, परंतु तुम्हारा घर नहीं जलेगा। इतना कहकर शीतला माता अंतर्ध्यान हो गई और माता के कहे अनुसार अगले दिन पूरे गाँव में आग लग गई, परंतु उस कुम्हारिन का घर नहीं
नहीं चला। जब राजा को यह बात पता चली तो उसने कुम्हारिन को राजमहल में बुलाया और उसे इसका कारण पूछा। तब कुम्हारिन ने शीतला माता के साथ हुई पूरी घटना राजा को बता दी। तब राजा ने पूरे नगर में शीतला माता की पूजा करने का ढिंढोरा पिटवाया और कहा कि होली के बाद आने वाले मंगलवार, वीरवार या सप्तमी या अष्टमी के दिन शीतला माता की पूरे विधि विधान से पूजा करें और बासी भोजन चढ़ाएं। तभी से बसोड़ा का यह पर्व शुरू हुआ। बोलो शीतला मैया की जय। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में शीतला माता की जय अवश्य लिखें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय शीतला माता।